हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास MP5 प्लेयर का एक मदरबोर्ड है। तो गाइस, इसके पहले के वीडियो में हमने रिपेयर किया था। तो गाइस, यहां पे जो रैम चिप ख़राब होने की वजह से ये पूरा डेड पड़ा हुआ था, हमने उसे चेंज करके हमने रिपेयर किया था गाइस, ठीक है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले गाइस इसे प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस, इसका जो प्रोग्राम है मेरे पास अवेलेबल है गाइस, अगर किसी लगता है तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको फिर इसका जो प्रोग्राम फाइल है मैं दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो इसे प्रोग्राम करते हैं गाइस। देखिए गाइस, तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ मैं प्रोग्रामर लेने वाला हूँ, यहाँ पे ये छोटा CS341 प्रोग्रामर लेने वाला हूँ, तो इसे निकाल के लगाना है। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ पूरी प्रोसेस, तो वीडियो पूरा देखिए। और गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं इसी तरीके से रख देता हूँ, और यहाँ पे तो गाइस हीट गन से हम ये फ्लैश मेमोरी निकालने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, तो देखिए गाइस, इस तरीके से जो फ्लैश मेमोरी लग चुकी है, ठीक है। तो गाइस, अब प्रोग्राम करते हैं, इसे साइड रखते हैं, ठीक है। तो सिस्टम रेडी है गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम रेडी है। तो इसे लगा देना है गाइस USB में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ठीक है गाइस, एक लाइट लग चुका है, तो मतलब इसे कनेक्ट हुआ है। अभी भरने की प्रोसेस नहीं हुई, इसमें दो लाइट है गाइस, ठीक है। तो अभी एक लाइट लगा है, कनेक्ट हुआ है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ओके। तो गाइस, आपके यहाँ गाइस ये जिप फाइल में होगी, MP5 प्लेयर की प्रोग्राम फाइल। तो ये जिप फाइल में, तो गाइस जिप फाइल में होने वाली है, डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। तो गाइस, इसे एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से प्रोग्राम आने वाला है गाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से खोलिए, और यहाँ पे गाइस ये MP5 बायोस रहने वाला है। तो ये बिन फाइल रहने वाली है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है बिन फाइल, मतलब ये बाइनरी फाइल है गाइस, ठीक है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसे जो फाइल है वो रीड नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो इसे रीड करने के लिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले गाइस हमें जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर खोल देना है। तो इसे प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर खोलने के बाद गाइस, यहाँ पे इस तरीके से जो यह इस तरीके से आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस, इसे आप एक बार गाइस इसमें चिप डिटेक्ट कर लेना है। यहाँ पे चिप डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये चिप नंबर आ जाएगा, और गाइस इसका जो MB कितना है वो आ जाएगा गाइस, ठीक है, इसकी साइज़ वगैरह। तो इसके इसे डिटेक्ट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। और गाइस, अब वो जो फाइल है उसे उठा लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है गाइस इसे, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर ही ये जो, तो इस तरीके से रीड हो जाएगा। तो इसे गाइस अब इसे ऑटो पे कर देना है, और इसे इसका जो प्रोग्रामर चालू हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूसरा लाइट भी चालू हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोग्रामर चालू हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अभी इसे टाइम ज़्यादा लगने वाला है, थोड़ा पुश कर लेता हूँ, पुश करके फिर किस तरीके से चलता है वो आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 100% हो चुका है, यहाँ पे 100% हो चुका है। और गाइस, यहाँ पे जो एक लाइट है जो बंद हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो मतलब गाइस, इसका जो प्रोग्रामिंग है कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस प्रोग्राम होता है, और होने के बाद गाइस अभी से निकाल के जिस तरीके से हम यहाँ से जो, तो जो गाइस तो गाइस जिस तरीके से हमने IC निकाले है उस तरीके से हमने लगा देना है गाइस, ठीक है। तो देखिए, इसे इस तरीके से निकाल देंगे, और इसे जिस तरीके से निकाले थे उस तरीके से लगा देंगे गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से ये निकल चुका है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमने लगा दिए हैं, अभी जो फ्लैश लग चुकी है, ठीक है।
तो गाइस अभी इसे ठंडा होने देना है, ठंडा होने के बाद इसे ऑन करेंगे। तो देखिए गाइस ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अभी से पावर लगाएंगे। तो गाइस पावर लग चुका है, तो देखिए गाइस इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।